हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टियस इलेक्शंस दैट एक्सेप्टेड टुडे बाय द यूनियन कैबिनेट आज यूनियन कैबिनेट में मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है हाई लेवल कमेटी

टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्टिव असम्बलीज इन फाइव ईयर्स होना चाहिए जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है बिकॉज पुलिस मैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर वो सब जो बड़ा एक uh, मिशन uh, बहुत बड़ा एक डिस्ट्रप्शन रहता है वो ना हो और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चाहे एजुकेशन का हो हेल्थ केयर का हो चाहे एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से uh, उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी सेवेंटी रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन टू फेजेस इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी दी फॉर्म ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पोलिटिकल पार्टी टूशनल एक्सपर्ट लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना साइबर सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट राइट सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन दंट्री देर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन दंट्री इसीलिए एन डी ए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से इस इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन दो फेजेस में होगा जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है फर्स्ट फेज़ में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत जिला पंचायत ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं चाहे म्यूनिसपैलिटीज़ हो चाहे म्युनसिपल कमिटीज हो चाहे म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन हो उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन हंड्रेड डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर पाँच साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे अब इस पर जो कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में वेदर इट इज़ आप सब भी आप सबका भी स्वागत है आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं सभी जो आ, दूसरे जितने भी फेडरेशंस ग्रुप्स हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं उन सब का उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फ़ायदा होगा कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में डेवलप किया क्रिएट किया जाएगा जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इंप्लीमेंट करेंगे